हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ जो मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैंने मांग टीका के साथ मेकअप किया है। अगर आप लोगों को भी किसी फंक्शन में जाना है और मांग टीका अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एक फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसको मैंने एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ मैं, और इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो जाए, क्योंकि बेस ही हमारे मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने फाउंडेशन के नीचे किसी भी तरह का कोई प्राइमर या सीरम यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने आईज़ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ आई मेकअप के लिए, बिकॉज़ आई में थोड़ा मैं बेस अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्योंकि उसके बिहाफ पे हमारा जो आई मेकअप है वो उभर कर आता है और ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आप लोग के पास कंसीलर है तो आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंसीलर नहीं है तो गाइज़ आपको वरी नहीं करना है, आप लोग अपना फाउंडेशन ही आईज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आई पर भी मैंने जो अपना फाउंडेशन अप्लाई किया है उसे भी मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि किसी भी तरह का कोई क्रीज ना बने और हमारा जो आई शेडो हम अप्लाई करेंगे उसका कलर एकदम डिज़ायर तरीके से आए। यहाँ पे मेरे पास न्यूड का एक पैलेट है, जिसमें से मैं अपना जो आई मेकअप है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ब्रश की हेल्प से जो है रेड कलर एक ले लिया है, जिसे मैं अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर से, और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ एक ट्रांजिशन शेड देने की। यहाँ पर मैंने दोनों ही आईज़ पर आई शेडो अप्लाई कर लिया है। आई शेडो को भी आप अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि किसी भी तरह की कोई क्रीज ना रह जाए। अब यहाँ से मैंने एक पर्पल शेड लेकर अपने जो आउटर कॉर्नर्स है वहाँ पर मैंने एक वी ड्रॉ करने की कोशिश की है, ताकि वो थोड़ा सा डार्क लगे रेड कलर से।
मेरा जो आउटर जो आईज़ के आउटर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर मैंने अपने फाउंडेशन की हेल्प से उसे वी लुक दे लिया है। आप देख सकते हैं कि पहले वो वी नहीं बन रहा था, बट बाद में मैंने फाउंडेशन की हेल्प से उसे मतलब जो एक्स्ट्रा आई शेडो आईज़ के बाहर जा रहा था मैंने उसे कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा जो मूज़ आई शेडो था, क्रीमी आई शेडो, उसे मैंने अपना फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। ब्रश की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है एक ही जगह पे, तो आप कभी भी अगर अप्लाई करते हैं तो फिंगर की हेल्प से ही आप करें। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा ब्लू हेवन का आईलाइनर। ये एक लिक्विड आईलाइनर है, बहुत कम रेंज में भी मिलता है। अगर आप लोगों के पास लिक्विड आईलाइनर नहीं है तो आप लोग और कोई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा हैवी आईलाइनर ड्रॉ नहीं किया है, नॉर्मल आईलाइनर ही ड्रॉ किया है। अगर आपको हैवी पसंद है तो आप हैवी भी कर सकते हैं, बट हैवी करने से आपका आई शेडो उतना मतलब दिखेगा नहीं। तो अगर आप थोड़ा नॉर्मल ही लगाएं, ज़्यादा थिन भी नहीं थिक भी नहीं, नॉर्मल आप लगाएं तो अच्छा लगेगा। अब हम अप्लाई करेंगे अपना मेबलिन का जो मेरा मश्कारा है वो। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने अपने आईलाइनर को सूखने नहीं दिया है और पहले ही मैंने मश्कारा अप्लाई करने की कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा आई मेकअप थोड़ा ख़राब भी हो जाएगा, बट हम उसे ठीक कर लेंगे। अगर आप लोग लिक्विड हाईलाइनर ये मश्कारा यूज़ करते हैं तो आप पहले अपने आईलाइनर को सूखने दें, उसके बाद ही आप मश्कारा अप्लाई करें। अब मैं अपना जो है मेरा आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन शेड है, जिसे मैं ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं दे रही हूँ, जस्ट नॉर्मल जैसे मेरा आईब्रो बना हुआ है उसी के ऊपर उसे मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है, ताकि आईज़ और आईब्रो थोड़ा अच्छा दिखे फेस पे। आईब्रो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे फेस को एक डिफरेंट लुक देने के लिए। अब हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा हाई बिकम का हाइलाइटर, ये गोल्डन शेड में है, लिक्विड है। आप इसे यूज़ करने का तरीका देख ले, अगर आपके पास भी लिक्विड हाइलाइटर है तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको गोल्डन मेकअप पसंद है तो अगर आप इस हाइलाइटर को परचेज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको गोल्डन मेकअप पसंद है तो ही आप इसे परचेज करें, थोड़ा फेस पे हाइलाइटिंग देता है बट गोल्डन कलर में देता है। अब आप देख सकते हैं मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लिया है, किसी ब्रश की ज़रूरत मुझे नहीं लगी है और फिंगर की हेल्प से बहुत ही नाइसली ये ब्लेंड हो जाता है। जिस जिस जगह पर आपको हाइलाइटिंग चाहिए होता है अब वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा ब्लू हेवन का ब्लश, जिसमें मैं अपना जो आप देख सकते हैं मैं अपना ब्लश कहाँ अप्लाई कर रही हूँ, मुझे यही पसंद है, एकदम चिक्स के ऊपर मुझे पसंद नहीं है, तो आप देख सकते हैं। बट फिर भी मेरा जो ब्लश है वो दिख रहा है और थोड़ा मेरा हाइलाइटिंग से ये मिक्स हो गया है, तो थोड़ा ऑरेंजिश, थोड़ा रेड, थोड़ा गोल्डन कलर का एक शेड आ रहा है मेरे जो चिक्स पे हैं वो आप देख सकते हैं। तो फाइनल अब हमारा जो फेस मेकअप था वो कंप्लीट हो गया है। हमें स्टेक करके कि जो पर्पल शेड है वो लिपस्टिक में अप्लाई करूँगी। ये एक सुपर मैट लिपस्टिक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं कोई भी जो आप लोग बहुत लंबे टाइम तक रहे ये लिपस्टिक, तो आप ये लिपस्टिक्स ले सकते हैं, काफ़ी ही अच्छी है और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है। आई थिंक मैंने जब लिया था वो 350 का था, अभी शायद इसका जो प्राइस है वो और डाउन हो गया है।
डार्क कलर्स हर स्किन टोन पर अच्छे लगते हैं गाइस। अगर आप लोग का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो भी आप इसे ले सकते हैं। मैंने लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है। अब ये थोड़ा डिफरेंट कलर है और अब आप देखेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसका डिफरेंट कलर हो जाएगा। अब मैं अपना ब्राउन पेंसिल लिप लाइनर यूज़ करूँगी। मैंने लोकल मार्केट से जस्ट 20 रुपीज़ का परचेज़ किया था। मैं इसे हर लिपस्टिक के साथ अप्लाई करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहले लिपस्टिक लगाई थी और अभी जो लगाया है उसमें पूरा डिफरेंस आ गया है। सी गाइस, अगर आप लोग कभी ये लिप लाइनर आफ्टर लिपस्टिक यूज़ नहीं करते हैं तो एक बार यूज़ करके देखिए, आपके चेहरे पर बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब हम अप्लाई करेंगे हमारा मांग टीका। ये मांग टीका मैंने जो हमारे यहाँ जनकपुरी में मार्केट लगता है मैंने वहीं से परचेज़ किया था। इसका रुपीज़ भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट ₹50। एक मांग टीका मैंने 50 रुपीज़ में लिया था, एक ये वाला लिया था, बट ये मुझे इस लुक पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं ये वाला अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। मेकअप के साथ हमारा हेयर स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हेयर स्टाइल ऐसे बाल नॉर्मली खुले रख लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, बस अपने जो राउंड राउंड अपने जो बालों को पीछे पिनअप कर लिया है ताकि थोड़ा डिफरेंट लुक आ जाए, क्योंकि डेली बेसिस में हम ऐसे हेयर स्टाइल नहीं बनाते हैं। अगर आप मांग टीका अप्लाई कर रहे हैं तो ईयरिंग आप छोटे भी पहन सकते हैं, या फिर ना भी पहने, या गले में कुछ ना भी पहने तो भी अच्छा लगेगा। या फिर मांग टीका के साथ लॉन्ग ईयरिंग भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मांग टीका भी अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। साड़ी पर अप्लाई कर सकते हैं, लहंगे पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीन्स के साथ भी इसे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने अपना जो हेयर स्टाइल है वो भी कंप्लीट कर लिया है। पिनअप आप इसे अच्छी तरह से कर लें ताकि जब आप अपना मांग टीका अप्लाई करें तो कोई भी पिनअप जो है वो ओपन ना रहे। मैंने यहाँ पर ऐसे रेंडमली बिना कॉम किए ऐसे हेयर स्टाइल बनाया है। आप लोग जब बनाएं तो अच्छे से बनाएं, अपना पूरा टाइम देकर। अगर इतनी मेहनत करी है मेकअप में तो अच्छा भी लगना चाहिए। तो फाइनली मेरा जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस जो भी है नॉर्मल है। अब हम अप्लाई करेंगे हमारा मांग टीका। तो मांग टीका को आप पिन से अच्छी तरह से, जो आपका हेयर पिन होता है उससे अच्छी तरह से, मांग टीकों को हमेशा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, एकदम नीचे आपके माथे के बीच में लाना चाहिए। उसके बाद ही आपके फेस पर वो प्यारा लुक देता है। अब आप देख सकते हैं गाइस, मैंने बहुत नॉर्मल ड्रेस पर इस मेकअप को किया है। अगर आप लोग इसके साथ कोई लहंगा जैसे जीन्स वेंस या जो जिस पर भी आप इसे पहनते हैं उस पर बहुत प्यारा लुक आएगा और आप लोग बहुत प्यारे लगेंगे। प्लीज़ इस मेकअप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपके घर पे, और अगर पसंद आए, जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।